आदाब, रेसिपी किचन में खुश आमदीद। रेसिपी किचन आज आपके लिए लाया है पीनट चिकन हांडी बनाने की रेसिपी, जिसको हम मिट्टी की हांडी में तैयार करेंगे। इसके लिए क्या अज्जा चाहिए, आइए नोट करते हैं। चिकन बोनलेस हाफ के जी, 2 इंचेस पीसेस में कट कर लिए हैं। देसी घी जिसमें से हम 3 टेबल स्पून लेंगे, मक्खन इसमें से हम 2 टेबल स्पून लेंगे, लिक्विड नमक 2 टेबल स्पून, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, फ्रेश क्रीम इसमें से हम 1/4 कप लेंगे, मूंगफली 1/4 कप, हरी मिर्च 5 मीडियम, तिल भुने 2 टेबल स्पून, दही 1/4 कप, लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। गार्निशिंग के लिए हम सब्ज इलायची और धनिया का इस्तेमाल करेंगे। हम फ्रेश क्रीम, काली मिर्च पाउडर और नमक को एक साथ मिलाकर पेस्ट तैयार करेंगे। भुने तेल और दही को ग्राइंड करके पेस्ट तैयार करेंगे। हरी मिर्चें, मूंगफली और 2 टेबलस्पून पानी हम डालेंगे और ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। हम फ्रेश क्रीम पेस्ट दही पेस्ट मूंगफली पेस्ट और लहसुन अदरक पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में। हमने देसी घी और मक्खन को हांडी में डाल दिया है। अब हम इसे हल्की आंच पर गरम करेंगे। ये घी और बटर गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम मैरिनेटेड चिकन को इसमें शामिल करके अच्छी तरह भूनेंगे। चिकन पकना शुरू हो गया है, अब हम इसे 20 मिनट के लिए पकने रख देंगे ढक्कन ढांप के। याद रहे, हम वक्तन फवक्तन इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक बटर अलग हो जाए। हमने चिकन को 5 से 7 मिनट भून लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बटर अलग हो गया है। अब हम इसमें सब्ज इलायची डालकर और हरा धनिया डालकर गार्निश करेंगे और आंच बंद कर देंगे। पीनट चिकन हांडी बिल्कुल तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म नान रोटी के साथ नोश फरमाएं। रेसिपी किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखिएगा।